नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वीएस एजुकेशन्स हब में। वेलकम टू माय चैनल्स। इन दिस वीडियो आई एम हियर टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट आपके जो स्टेट्स होते हैं, राइट, जो सभी स्टेट के बेसिस पे एक सीरीज चल रही है, सभी स्टेट अपन डिस्कशंस करेंगे, राइट। तो इसी कड़ी में आज मैंने स्टेट्स लिया है, आपकी राज्य लिया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में आप आज अपन जानेंगे, क्या उसका कब उसकी स्थापना हुई थी, राइट, कौन कौन चीफ मिनिस्टर्स रहे, चीफ मिनिस्टर्स मुख्यमंत्री, राइट, कितनी सीट्स हैं, क्या क्या नेशनल्स पार्क्स हैं, सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर ये मेरे डाउट्स हैं, ये चीज़ ऐड कीजिए, सजेशंस जरूर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे, हेल्प कर पाए चैनल्स आपकी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे, उनकी भी एक हेल्प हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान स्टेट डिस्कशंस कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तीन स्टेट्स मैं ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुका हूं। आज अपने चौथा स्टेट यानी कि चौथा वीडियो, फोर्थ स्टेट्स अपन डिस्कशंस करेंगे, छत्तीसगढ़। प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा, जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, गारंटी है, एक भी क्वेश्चन स्टेट से रिलेटेड आएगा आप नहीं छोड़ पाओगे, राइट। स्किप आपको नहीं करना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे स्टेट्स लेवल की आप प्रिपरेशन करो, चाहे आपकी सेंट्रल्स लेवल की हो, एसएससी वाला एग्जाम्स हो गया, कोई भी एग्जाम्स हो, बैंकिंग वाला हो गया, तो उसमें से एक ना एक दो ना आपके वन से टू क्वेश्चन जरूर पूछता है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कोई आपको लगे कि ये डाउट्स है तो पूछिएगा जरूर, क्लियर। अब चलते हैं, देखते हैं क्या हाईलाइट्स रह सकते हैं सेशन से। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट्स में बेसिक ऑफ छत्तीसगढ़, राइट, छत्तीसगढ़ के बेसिक यानी कि इम्पॉर्टेंट आपके स्थापना पूछ सकता है एग्जामिनर, राइट, गवर्नर पूछ सकता है, असेंबली सीट्स पूछ सकता है, आपके चीफ जस्टिस पूछ सकता है, ये सब कुछ पूछने वाले क्वेश्चन हैं, वो इस बेसिक ऑफ छत्तीसगढ़ में अपन डिस्कशन करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, राइट, छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पूरी की नदियाँ हैं, राइट, एक तरह से कह सकते हैं कितना इसका एरिया है, कितने क्षेत्र में ये फैला है, रैंक कितनी है, ये पर्टिकुलर जियोग्राफी में अपन डिस्कशन करेंगे। थर्ड पोजिशन पर आपकी बॉर्डर से, यानी कि जो एग्ज़ाम्स होता है छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स देते हैं, उनमें क्वेश्चन पूछता है कि कितने स्टेट्स के साथ छत्तीसगढ़ बॉर्डर शेयर करता है, या कुछ ऐसे ऑप्शंस डाल के इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनेंगे, ये अपन डिस्कशंस करेंगे। फोर्थ आपका सिंबल, क्या क्या इसके राज्य पशु कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, फूल एक तरह से कौन सा है, राइट, ये पर्टिकुलर अपन इसमें डिस्कशंस करेंगे। नेशनल्स पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, नेशनल्स एग्जाम्स हो गया, कोई भी आपका एग्जाम्स हो, स्टेट्स हो चाहे सेंट्रल्स हो, बहुत बार पूछता है छत्तीसगढ़ के पार्क, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इसको भी, कि नेक्स्ट आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है वाइल्ड लाइफ से, क्योंकि नेक्स्ट आपका फेस्टिवल्स हो गए, क्या क्या त्यौहार वहाँ के फेमस हैं, वह भी अपन डिस्कशंस करेंगे। एंड एयरपोर्ट, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ने एक तरफ से मैसेज किया था, सर कुछ एयरपोर्ट लीजिए और स्कीम्स के बेसिस पर भी आप बता दीजिए, यानी कि जो पार्टिकुलर स्टेट्स होता है ना, उसकी स्कीम कौन कौन सी फेमस है जो एग्जाम्स में पार्ट बन सकती है, तो आज अपन मैंने ऐड किया है दो चीज़, और भी आपका सजेशंस होगा तो मैं जरूर लूँगा, प्लीज़ आप भी दीजिएगा। एयरपोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और स्कीम्स ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि जो राज्य की स्कीम्स हैं इम्पॉर्टेंट, वह भी अपन इसमें डिस्कशंस करेंगे, ओके, ये पर्टिकुलर रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल्स को भी। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं बेसिक ऑफ छत्तीसगढ़, हमारे यहाँ स्प्रिंश बेसिक ऑफ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल से आपका एस्टेब्लिश, यानी कि एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, कि छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम्स में। माय डियर स्टूडेंट्स,
यानी कि 1 नवंबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ एक तरह से स्थापना हुई थी। तो एग्जाम्स में आपको इतना ही आंसर देना है, यानी कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाता है। मैंने बताया था ये एमपी राइट मध्य प्रदेश से अलग हुआ हुआ स्टेट्स है राइट। मध्य प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र में यानी कि जो एरिया है इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल मध्य प्रदेश की रैंकिंग फर्स्ट थी राइट। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मैंने मध्य प्रदेश वीडियो में बताया था, उसको देखिएगा आपके क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये सेकंड पोजीशंस पे चला गया एरिया के बेसिस पे, और फर्स्ट पोजीशंस पे राजस्थान आ गया राइट। और क्वेश्चंस एक इसमें से यह भी बन सकता है कि छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का पार्ट कितने टाइम रहा था, कितने ईयर रहा था, कितने साल रहा था। तो माय डियर रेस्पॉन्स 1956 में एमपी को स्टेटहुड मिला था राइट। 1956 से 2000 आप खुद देख सकते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो इट मीन्स आपकी 44 ईयर्स, यानी कि 44, यानी कि 44 ईयर्स, 44 साल से छत्तीसगढ़ इसका पार्ट था, 44 साल बाद अलग हुआ था। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ, एग्जाम्स में टिक टॉक क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कैपिटल्स रायपुर राइट एंड गवर्नर अनुसुईया उइके। बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नर, तो एग्जाम्स का पार्ट बनेगा, 100% बनेगा। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। अनुसुईया उइके इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल राइट। ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है, तो इसकी देखिए 2000 में बना है ना स्टेट्स, तो एग्जाम्स का पार्ट बनेगा। कौन इसकी पहले मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ स्टेट्स के? माय डियर फ्रेंड्स, पहले फर्स्ट मुख्यमंत्री बने थे वो थे अजीत जोगी राइट। अजीत जोगी राइट, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप थे पार्लियामेंट्री, देख लीजिए अपर हाउस लोअर हाउस में। देखिए अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना कि उच्च सदन लोकसभा होती है, उच्च सदन राज्यसभा को और लोकसभा को निम्न सदन। ओके, 5 सीट्स आपके राज्यसभा में है, 11 सीट्स आपकी टोटल्स लोकसभा की सीट्स है, 11 राइट। ओके, टोटल्स असेंबली सीट्स हैं, आपको मैंने बताना था 90 टोटल्स असेंबली सीट्स हैं इसकी टोटल्स राइट। 90 सीट्स यानी कि विधानसभा की, जिनमें से जो कांग्रेस पार्टी है जिनकी अभी गवर्नमेंट है उन्होंने 68 सीट जीती थी, और 15 सीट जीती थी आपकी बीजेपी ने जो अपोजिशन से छत्तीसगढ़ में। एंड देन 68 प्लस 15, 83, टोटल्स 83, टोटल्स है 90, डिफरेंस रहा 7 सीट का, तो 7 सीट आपकी जीती हैं अजीत जोगी जी और आपकी बीएसपी की पार्टी, जो दोनों का एक तरह से कह सकते हैं वहां पर गठबंधन था राइट, कोलिशन था। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका हाई कोर्ट देख लीजिए। हाई कोर्ट आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर राइट। चीफ जस्टिस बहुत बार पूछता है, पी आर रामाचंद्रन मेनन इज द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर। ओके, पी आर रामाचंद्रन मेनन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए मेरी मेहनत को। ओके, सब्सक्राइब भी कर लें, आपको इस टाइप की स्टेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं जियोग्राफी राइट। देखिए पॉपुलेशन के बेसिस पे जियो आपकी 17th पोजीशंस पे है आपकी छत्तीसगढ़, यानी कि 70वां स्थान है इसका पॉपुलेशन की पोजिशन पे। एंड 9th रैंक है इसकी, रैंक है आपकी यानी कि 9वां स्थान है आपका एरिया के बेसिस पे। टोटल्स एरिया कितना है, 135,191 किलोमीटर्स राइट, टोटल्स का एरिया है एरिया के बेसिस पे राइट। मैंने आपको बताया था पहले मध्य प्रदेश पहले नंबर था, देन अब पहले नंबर पर राजस्थान है, सेकंड नंबर पर भी मध्य प्रदेश चला गया, क्योंकि इसका एरिया इसमें डिवाइड हो गया, छत्तीसगढ़ इसमें छत्तीसगढ़ अलग स्टेट्स बना गया गया था, याद रखिएगा। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पर बहुत एक तरह से नदियाँ अलग अलग पार्ट्स में है बहती हैं राइट, लेकिन महानदी इसकी टॉप है, महानदी से अलग अलग पार्ट में अलग अलग नदियाँ बहती है। और राइस की खेती यानी कि चावल की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है, बहुत अधिक मात्रा में चावल की खेती बहुत
देखने को मिलती है। बहुत लोग वहाँ पर चावल की खेती करते हैं, बहुत चावल होता है राइट। तो इसी के बेसिस पे इसको एक तरह से कह सकते हैं धान का कटोरा स्टेट्स नाम से भी जाना जाता है, धान का कटोरा। आई रिपीट अगेंस, एग्जाम्स में एकदम स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि धान का कटोरा किस स्टेट को कहा गया है, तो दैट इज द आंसर विल बी छत्तीसगढ़ स्टेट राइट। आई रिपीट अगेंस, एक बार फिर कर देता हूँ, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ चावल की खूब मात्रा में, भरपूर मात्रा में वहाँ पर चावल होता है। क्लियर। अब आ जाते हैं बॉर्डर पे, माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, बॉर्डर के स्टेट्स के बेसिस पे अपन बात करते हैं। देखिए बॉर्डर, देखिए इसमें टोटल्स आपके 7 स्टेट्स फॉलो करते हैं राइट। 7 स्टेट्स इसके लगते हैं। देखिए ये टोटल्स आपके 7 राज्य, टोटल 36 राज्य से लगते हैं। पहला है मध्य प्रदेश राइट। मध्य प्रदेश तो आपको मालूम है इसी से कट के बना है, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट इतने सारे स्टेट्स को याद करना बहुत एक तरह से डिफिकल्ट वर्क है क्योंकि 3-4 स्टेट्स हो तो याद रह जाता है कितने हैं। इसको याद करना आपको बार बार वीडियो को देखना होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये मैप है टोटल्स, ये रायपुर इसकी कैपिटल है, पूरा सेंट्रल्स में है, ये पूरा छत्तीसगढ़ है। ओके, फर्स्ट स्टेट आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड स्टेट आपका झारखंड, थर्ड स्टेट आपका उड़ीसा राइट, फोर्थ स्टेट आपका आंध्र प्रदेश राइट, एंड फिफ्थ स्टेट आपका हो गया तेलंगाना, सिक्स स्टेट हो गया आपका महाराष्ट्र, एंड द लास्ट एंड फाइनल आपका मध्य प्रदेश। ओके, भारत के ये नक्शे में उसमें आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा आपका 36 स्टेट्स है। क्लियर, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता तुरंत पूछिए, समझ में आता है तो लाइक कीजिए। ओके, देखिए अच्छा लग रहा होगा, मेहनत मेरी आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। कोई सजेशंस हो तो आप जरूर दीजिएगा कि हाँ सर ये सजेशन से ये चीज़ भी ऐड करवाइए। ओके, नेक्स्ट देखिए सिंबल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेट्स एनिमल्स जो राज्य पशु है वो एशियंस बफेलो है, स्टेट बर्ड है मैना है, और स्टेट ये आपका साल है। ओके, नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल से आपका इंद्रावती नेशनल पार्क राइट, इंद्रावती नेशनल पार्क एग्जाम्स के में बना हुआ है, जो बैंक की प्रिपरेशन करते हैं उनको मालूम है इंद्रावती नेशनल पार्क बहुत बार पूछता है, इंद्रावती। और एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क जिसको संजय नेशनल पार्क से भी नाम से जाना जाता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, गुरु घासीदास पूछे या संजय पार्क पूछे, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। ये आपका छत्तीसगढ़ स्टेट्स में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कांगेर घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट ही लिया है, एग्जाम्स में जो बन सकते हैं वही चीज़ मैं अपने चैनल्स पर डिस्कशन करता हूँ अपने वीडियोज में। क्लियर, स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत डिटो क्वेश्चन बना है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इससे है कि वेल्ड वाइड देख लीजिए। अंजन कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डिटो क्वेश्चन बना है, अंजन कुमार वेल्ड लाइफ कहाँ स्थित है, तो दैट इज द छत्तीसगढ़। सीता नदी वेल्ड लाइफ ये आपका छत्तीसगढ़, टैमोल बंगला ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये तो सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। ओके, इसको तो सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए, अंजन कुमार वेल्ड लाइफ। ओके, फेस्टिवल देख लीजिए, बस्तर दशहरा, बस्तर लोकोत्सव, लोकोत्सव एंड मड़ाई फेस्टिवल्स एंड रिजिम्स को मेला राइट, एंड नेक्स्ट आपका है पखरून पखनजोर मेला राइट, पखनजोर मेला, नर नारायण मेला जिसको आप नाम से जाना जाता है राइट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट देख लीजिए, अंबिकापुर एयरपोर्ट बहुत बार पूछता है, अंबिकापुर, कोरबा एयरपोर्ट एंड स्वामी विवेकानंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम्स में डिटो क्वेश्चंस बनाया कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो दैट इज द छत्तीसगढ़ में। क्लियर, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। रायगढ़ एयरपोर्ट, स्कीम्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स इसकी जो जो इम्पोर्टेंट है, पहली स्कीम है छत्तीसगढ़ स्टेट्स की छत्तीसगढ़ न्यूनतम आय योजना राइट, छत्तीसगढ़ न्यूनतम आय योजना ये आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट्स की है।
छत्तीसगढ़ डॉक्टर खूबचंद बघेल हेल्थ असिस्टेंस स्कीम सीएम विशेष विशेष स्वास्थ्य योजना 2020, यह भी आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट के स्वास्थ्य के बारे में राइट। नेक्स्ट आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये मैंने छत्तीसगढ़ इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन, एग्जाम्स में छत्तीसगढ़ बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, आपको सोच सकते हैं यही पूछेगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसने शुरुआत की है, कौन से स्टेट ने शुरुआत की है, ये अभी की बात है। अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, डेली न्यूज में रहते हैं, डेली न्यूज पेपर्स रीडिंग करते हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट अभी की न्यूज है, रिसेंट न्यूज है राइट। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया है। ओके नेक्स्ट आपका विश्वकर्मा निर्मल श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना राइट, ये 2020, यह भी अब छत्तीसगढ़ स्टेट्स की योजना है। देखिए इम्पोर्टेंटली बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं पर डिस्कशंस कर सकते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो सकता है, बट मैंने जो इम्पोर्टेंट थी जो नेशनल एग्जाम्स में चाहे बैंक हो, SSC हो राइट, जो स्टेट्स लेवल के एग्जाम्स हो बन सकते हैं क्वेश्चंस, वही मैंने यहाँ पर डिस्कशंस किया है। ओके आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, कुछ भी हेल्प कर पाया, 10% भी हेल्प हुआ माय डियर फ्रेंड्स, तो ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया पूरा वीडियो देखने के बाद भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दूंगा इस पर्टिकुलर स्टेट्स की एक अलग से, ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो, जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो प्लेलिस्ट ओपन किया देखा कौन कौन से स्टेट में क्या क्या नेशनल पार्क हैं, क्या हिस्ट्री रही है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर, आई होप आपने कर दिया होगा लाइक एंड शेयर। कोई सजेशन हो, देखिए कोई भी आपका सजेशन हो, एनी सजेशन प्लीज़ दीजिएगा जरूर, ऐड करनी हो कोई वीडियो में बताइएगा जरूर, ताकि मेरे को पता चल सके हाँ ये चीज़ ऐड करनी है। ओके योर सजेशन इज मोस्ट वेलकम, आइडिया इज मोस्ट वेलकम। क्लियर, तो एंड अप करते हैं सेशंस को, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग्स, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल्स को, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।